तो फाइनली एचडीएफसी बैंक ने एक और नया क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्रे क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर चुका है, जो कि एचडीएफसी बैंक के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड की तरह ही फीचर आपको उस कार्ड पर देखने को मिलता है। 5% का कैशबैक आपको जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलर जो वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स की साइट है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित। तो आज के इस वीडियो में आपको पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड और एचडीएफसी बैंक के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड दोनों को कंपेयर करते हुए इसके फीचर्स बेनिफिट्स को बताने वाला हूं। तो चैनल पर नए होंगे, इसी तरह के वीडियोस देखना पसंद करते होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। वीडियो अच्छा लगेगा एक लाइक करके भी जरूर जाइएगा। तो हम इस ओर देखेंगे हम मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के फीचर्स को, और इस तरह हम देखेंगे पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड को, दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कौन सा कार्ड बेटर रहा है। तो शुरुआत करते हैं हम वेलकम बेनिफिट से। तो एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड पर आपको ज्वाइनिंग फी के बराबर आपको रिवार्ड पॉइंट देखने को मिल जाएगा, कैशबैक पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। वहीं हम पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड की यहाँ बात करेंगे तो ये जीरो ज्वाइनिंग फी के साथ ये कार्ड आपको देखने को मिल जाता है, कोई खास वेलकम बेनिफिट इस पर आपको देखने को नहीं मिलता है। अब हम यहाँ फीचर्स की बात करेंगे तो एचडीएफसी मिलेनिया कार्ड पर आपको 5% का कैशबैक पॉइंट मिलेगा मोस्ट ऑफ द पॉपुलर ई कॉमर्स की वेबसाइट पर। तो इस कार्ड से आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बुक मैशो, कल्ट फिट और सोनी लेब, स्विगी, जोमेटो, टाटा क्लिक एंड ऊबर, इन जगहों पर आपको 5% का आपको कैशबैक पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहीं हम इस कार्ड की यहाँ बात किया जाए तो काफ़ी अच्छे फीचर्स इस कार्ड पे भी देखने को मिल जाते हैं। तो पेजअप पर इस कार्ड को आप मैनेज कर सकते हैं, पेजअप पर इसके सारे फीचर्स को कंट्रोल और कस्टमाइज भी कर पाते हैं, लाइक बिलिंग डेट को, बिल जनरेशन डेट जो होता है उसको भी आप अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इस कार्ड पर आपको 5% का कैशबैक पॉइंट मिलेगा, कुछ जो है स्पेशल मर्चेंट कैटेगरी है। तो यहाँ पे आपको जो है बेसिकली 5 मर्चेंट कैटेगरी हैं, वहाँ पे आपको किसी पांचों में से किसी 2 मर्चेंट कैटेगरी पर आपको 5% का कैशबैक पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो 5 कैटेगरी की यहाँ बात किया जाए तो डाइनिंग एंड एंटरटेनमेंट पर, इस कैटेगरी पर बुक मैशो और जोमेटो, यहाँ पे 5% का कैशबैक मिलेगा। दूसरा कैटेगरी है यहाँ पे ट्रैवल की कैटेगरी, ट्रैवल यानी कि आपको मेक माई ट्रिप एंड ऊबर, ये दोनों कैटेगरी पर आपको 5% का कैशबैक मिलने वाला। इसी प्रकार से ग्रोसरीज, तीसरे नंबर पर ग्रोसरीज है, तो यानी कि ब्लिंकिट एंड रिलायंस स्मार्ट बाजार पर आप जो है इस कार्ड से स्पेंडिंग करेंगे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक में भी आपको यहाँ पे क्रोमा एंड रिलायंस डिजिटल, यहाँ पे आप इस कार्ड से स्पेंडिंग करेंगे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। इसी प्रकार से इस कार्ड पर आपको फैशन के कैटेगरी में आपको यानी कि नायका एंड मिंत्रा, यहाँ पे जो है इस तरह से 5 अलग अलग कैटेगरी रखा गया है। इन पांचों में से किसी 2 कैटेगरी का आपको, किसी 2 यहाँ कैटेगरी को आपको चुनना होगा, कस्टमाइज करना होगा। तो कस्टमाइज करने के बाद आपको उन दोनों आप कैटेगरी पर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। कैशबैक अनलिमिटेड नहीं है, आपको 500 कैशबैक पॉइंट पर बिलिंग साइकिल आपको इस कार्ड पर देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे 3% का कैशबैक भी मिलेगा, 3% का अलग से मर्चेंट कैटेगरी यहाँ रख दिया गया है। तो 3% में भी यहाँ पे जो है ऑप्शन दे दिया गया है, आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ई कॉमर्स यानी कि यहाँ पे अमेजॉन को रखा गया है, फ्लिपकार्ट और पेजअप। तो पेजअप पर यानी कि यहाँ पे अब तीनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, या तो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या पेजअप, ये तीनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा, जिसमें आपको 3% का कैशबैक पॉइंट मिलेगा। और यहाँ पे भी अनलिमिटेड कैशबैक नहीं है, कैपिंग रख देगी, ₹500 पर बिलिंग साइकिल या पर मंथ आपको कैशबैक मिलेगा। इस कार्ड की अच्छी बात यह है कि ऑल अदर कैशबैक, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, 3% एंड 5% वाला कैशबैक कैटेगरी को छोड़ के बाकी अदर स्पेंडिंग करेंगे, अदर एलिजिबल ट्रांजेक्शन करेंगे, वहाँ पे आपको 1% का अनलिमिटेड कैशबैक देखने को मिल जाएगा। वहीं हम इस कार्ड की बात किया जाए तो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड पर आपको जो है 5% कैशबैक कैटेगरी वाले जो उस ट्रांजेक्शन को छोड़ के कहीं और स्पेंडिंग करेंगे, यानी कि ऑल अदर एलिजिबल ट्रांजेक्शन करेंगे, आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। इस कार्ड की अच्छी बात यह है कि मिलेनिया कार्ड की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको वॉलेट रिलोड करते हैं, वॉलेट लोड करते हैं, वहाँ पे भी आपको 1% का कैशबैक मिलता है। ईएमआई का ट्रांजेक्शन करते हैं, ईएमआई ट्रांजेक्शन करते हैं, वहाँ पे भी आपको 1% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे कैशबैक की कैपिंग भी ज़्यादा है, यानी कि इस पर ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। 5% का कैशबैक कैटेगरी जिस पर आपको जो है ₹1000 पर मंथ आपको कैशबैक मिलेगा, इसी प्रकार से 1% का जो कैशबैक ऑल अदर वाला जो ट्रांजेक्शन करते हैं वहाँ पे भी ₹1000 पर मंथ का जो है कैपिंग रखा गया है। तो इस कैपिंग कैशबैक कैपिंग को यहाँ कंपेयर किया जाए तो इस कार्ड पर सिर्फ ₹500 का कैशबैक मिल रहा है और यहाँ पे 1000 का कैशबैक देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड नो डाउट ये बेटर क्रेडिट कार्ड होने वाला है। ओवरऑल बात किया जाए
तो यहाँ पे इस कार्ड पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रखा गया है एज़ कम्पेयर टू मिलेनियर क्रेडिट कार्ड, इस पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रख दिया गया है और कैशबैक की कैपिंग भी यहाँ जो है कम है, यहाँ सिर्फ 500 पर बिलिंग साइकिल आपको कैशबैक देखने को इस कार्ड पर देखने को मिल रहा है। दोनों ही कार्ड पर रेस्टोरेंट बिल्स यानी कि स्विगी डाइनआउट पर आपको 20% का ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों कार्ड पर जो है सभी पेट्रोल पंप्स पर यानी कि फ्यूल सभी फ्यूल आउटलेट पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको जरूर मिल जाता है अगर आप जो है ₹400 और ₹5000 के बीच का जो है फ्यूल में ट्रांजेक्शन करते हैं। अप टू ₹250 का आपको जो है हर महीने आपको जो है फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी कैशबैक आपको फ्यूल के ट्रांजेक्शन पर देखने को नहीं मिलने वाला है। वहीं हम HDFC मिलेनियर कार्ड की माइलस्टोन फीचर की यहाँ बात किया जाए तो एवरी क्वार्टर अगर आप 1,00,000 या इससे ऊपर का स्पेंडिंग कर देते हैं तो ₹1,000 का आपको वाउचर देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार का जो है क्वार्टरली माइलस्टोन वाला फीचर आपको इस कार्ड पर देखने को नहीं मिलेगा। यहीं हम फीस की यहाँ बात किया जाए तो HDFC मिलेनियर कार्ड की बात किया जाए तो ₹1,000 प्लस GST का जर्निंग एंड एनुअल फी के साथ ये कार्ड आता है, लेकिन एक साल में जो है 1,00,000 स्पेंडिंग कर देते हैं तो इसका जो एनुअल फी है वो आपका वेव अप हो जाता है। इसके लिए कोई भी आपको जो है एनुअल चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। और वहीं हम जो है इस कार्ड के चार्जेस की यहाँ बात किया जाए तो ₹500 प्लस GST के साथ ये कार्ड आपको देखने को मिल जाता है, ज्वाइनिंग चार्जेस के साथ भी मिल जाता है ₹500 के ज्वाइनिंग चार्ज के साथ। लेकिन कार्ड इशू के विद इन 90 डेज सिर्फ आपको 20,000 इस कार्ड पर आपको खर्च कर देना है तो आपका ज्वाइनिंग फी भी वेव अप हो जाता है। और अगर एक साल में 1,00,000 से ऊपर का स्पेंडिंग कर देते हैं तो इसका एनुअल फी ₹500 प्लस GST भी आपका वेव अप हो जाता है। यहाँ पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड की यहाँ बात किया जाए तो इस पर आपको जो है जो भी कैशबैक है यहाँ पिक्सल कैश पॉइंट की में आपको जो है इन द फॉर्म ऑफ आपको कैशबैक मिलता है, यानी कि पेजअप के ऐप पर पेजअप वॉलेट पर आपको इसको जो भी कैशबैक है कैश पॉइंट आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा, जहां से रिडीम करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एटलीस्ट आपको 1,000 यहाँ कैशबैक पॉइंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी इसके रिडीम करने के लिए। अगर हम एनुअल फी को यहाँ कंपेयर करेंगे तो मिलेनियर कार्ड की एनुअल फी यहाँ ज़्यादा है ₹1,000 प्लस GST है और जो है ₹500 इस कार्ड की जो है एनुअल फी रखी गई है। चूँकि मिलेनियर कार्ड का फीचर भी अच्छा है, 1,000 का जो है एनुअल फी रखा गया है, लेकिन इसमें फीचर्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाता है और इस कार्ड का जो चार्जेस है ₹500 प्लस GST चार्जेस है, लेकिन उतना खास कोई आपको इस कार्ड पर फीचर देखने को नहीं मिलता है। काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड पर। अब रही बात कार्ड को कैसे अप्लाई करना है, तो इस कार्ड को डायरेक्टली HDFC बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और इस कार्ड से आपको ₹1,500 का अमेजॉन गेट वाउचर भी आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपका कार्ड डिजिटली आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है। चूँकि ये जो है पेजैप, इस कार्ड को सिर्फ पेजैप के थ्रू अप्लाई कर पाते हैं तो यहाँ पे आपको ₹1,500 का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको पेजैप को ऐप को डाउनलोड करना होगा और वहाँ से आपको जो है ज़रूरी नहीं है कि आप HDFC बैंक के कस्टमर हो, एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, आपको यहाँ पे पेजैप के ऐप पर आपको जो है अप्लाई का बैनर शो कर अप्लाई का बटन वहाँ मिलना चाहिए, तब जाकर इस कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं हम इस कार्ड को बात किया जाए तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो आप जो है डायरेक्टली अप्लाई करेंगे आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है तो आपको 1,500 वाउचर भी देखने को मिल जाता है। अब रही बात की एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की, तो इस कार्ड पर आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस देखने को मिल जाएगा। वहीं हम पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड में कोई भी एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की फीचर आपको इस कार्ड पर देखने को नहीं मिलता है। अब रही बात की दोनों ही कार्ड्स में कहाँ कहाँ कैशबैक आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको रेंट पेमेंट पर कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन पर यानी कि गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वहाँ पे भी कैशबैक आपको नहीं मिलेगा। इन माई ओपिनियन अगर आपके पास ऑलरेडी HDFC मिलेनियर क्रेडिट कार्ड होगा या फिर SBI का कैशबैक कार्ड होगा तो ये कार्ड को यानी कि पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड को आपको लेने का कोई फ़ायदा नहीं। तो पिक्सल प्ले जो क्रेडिट कार्ड है स्पेशली बिगिनर्स के लिए यहाँ डिज़ाइन कर दिया गया है, ₹500 के एनुअल फी के साथ आता है, लेकिन इस कार्ड पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। वहीं इस कार्ड की यहाँ बात किया जाए तो इस कार्ड पर रिस्ट्रिक्शन कम है, ₹1,000 का एनुअल फी है, लेकिन इस कार्ड पर फीचर्स भी आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। बाकी कई जो फीचर्स हैं HDFC मिलेनियर कार्ड पर देखने को मिल जाता है, पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड इस पर आपको वो फीचर आपको मिलता ही नहीं है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, आपका क्या कहना है दोनों ही कार्ड्स के बारे में आपको जो है कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखते होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेंगे। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।